पहले इमरान खान और अब परवेज इलाही गिरफ्तार न हो सके, दाल में जरूर कुछ काला है। एहसन इकबाल ने इदारों पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगु करते हुए सीनियर वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि हम एक तमाशा देख रहे हैं कि पहले जमान पार्क पर छापा पड़ता है और इमरान खान नहीं पकड़े जाते, फिर परवेज इलाही के घर पर छापा पड़ता है और वो भी नहीं पकड़े जाते। आखिर ये लोग क्या हैं? ये कानून से बड़े हैं या ये तमाम फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि हमें जरा लीडर बनाओ? हम ये तमाशा देख रहे हैं कि खान साहब के जमान पार्क के ऊपर भी रेड होता है और खान साहब नहीं पकड़े जाते, उनके परवेज इलाही साहब के घर पे रेड होता है, वो नहीं पकड़े जाते। आखिर ये लोग क्या है? ये कानून से बड़े हैं या ये तमाम फरमाइशी प्रोग्राम होता है, नूरा कुश्ती होती है कि हमें जरा लीडर बनाओ? वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना कर सकने की वजह से इंतजामिया पर सवालिया निशान है। मैं नहीं समझता कि इदारे इतना गैर फाल है कि उनको गिरफ्तार ना कर सके। कोई बईद नहीं इंतजामिया में इनके हिमायती इस तरह के नाटक कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब का दौरे हुकूमत था, आप पंजाब सेक्रेटेरिएट में जाएं, बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि 300 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई है इस दौरान। जो लाहौर सिटी का मास्टर प्लान जिस तरीके से अप्रूव किया गया है उसमें कितने 100 अरब की करप्शन की गई है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि परवेज इलाही के दौरे हुकूमत का पंजाब सेक्रेटेरिएट में बच्चा बच्चा करप्शन की गवाही देता है। इनसे करप्शन का एक एक रुपया वसूल करना चाहिए और उनको गिरफ्तार होना चाहिए।